हिमाचल मंत्रिमंडल ने निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक को फिलहाल टाल दिया है। इस विधेयक को बजट सत्र में लाने की तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर विधेयक के कई बिंदुओं पर कुछ मंत्री सहमत नहीं हुए। लंबे मंथन के बाद मंत्रिमंडल ने अब शिक्षा विभाग को नए सिरे से विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भले ही 19 मार्च को एक बार फिर मंत्रिमंडल की बैठक होगी, लेकिन बजट सत्र में इस विधेयक के पेश होने पर संशय खड़ा हो गया है। कारण यह है कि बजट सत्र के पूरा होने में अब मात्र 4 दिन ही बाकी बचे हैं। सोमवार देर शाम करीब 6:30 बजे के बाद विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में फीस नियंत्रण विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों ने इस प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए इन कमियों को दूर करने की वकालत की है। विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को विथड्रॉ कर दिया है। इससे नए शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों की फीस पर अंकुश लगने की आस लगाए बैठे लाखों अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। अब प्रस्ताव की कमियों को दूर करने और दोबारा से इसे विधानसभा में पेश करने के लिए मानसून सत्र का इंतजार करना होगा। इस मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मामला संवेदनशील है और इस पर गहन विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। मामला कुल मिला के संवेदनशील भी है और इसमें कई प्रकार की सावधानियां बरतना भी आवश्यक है, और इसलिए अभी चर्चा में है और हम उसमें और अधिक गहन चर्चा करके ही निर्णय पर पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अभी हम और अधिक जरा उसके ऊपर थोड़ा सा कंसल्टेशन करें, तो उसके पश्चात हम जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, उम्मीद तो हम रख सकते हैं, और मैंने कहा कि अभी हम इसलिए कि जो कंसल्टेशन वाला दौर है वो हमारा चल रहा है, क्योंकि हम ना कोई बहुत जल्दबाजी के चक्कर में, जिसको जो भी काम करना है वो काम ठीक करना है, तो इसलिए कि अभी देखेंगे। और अभिभावकों की जो बातें हैं वो कोरोना काल में सबके ध्यान में आई है, और उसी के दृष्टिगत जो है इस विचार पर हम पहुंचे हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन अब इस पर विस्तृत चर्चा करके जो उसके उपरांत जो है निर्णय करेंगे। मनमानी पर हमने नियंत्रण किया भी, और मनमानी कहीं पर भी अगर हो रही तो उस पर अभी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।